21 का ये अंक 2 यानी कि चंद्रमा, 1 यानी कि सूर्य, 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से नंबर 3 यानी कि गुरु का जन्म होता है। 21 को जन्मे व्यक्ति में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का प्रभाव पूरा देखने को मिलता है। चंद्रमा इमोशंस देता है तो सूर्य लीडरशिप क्वालिटी, और वहीं गुरु विवेक से सभी कार्य करने की प्रेरणा देता है। 21 का ये अंक चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर यानी कि अगर आपका जन्म 14/9/2005 में हुआ है तो आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर प्लस ईयर नंबर, इन सबको जोड़ दीजिए। 1+4+9+2+5=21, ये आपका लाइफ पाथ नंबर या इसे हम डेस्टिनी नंबर भी कह सकते हैं। ईश्वर ने आपको 21 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया है? ये 3, 12 और 30 तारीख के लोगों से थोड़ा अलग क्यों होते हैं? जानते हैं इस बात को गहराई से, लेकिन पहले जान लेते हैं कि 21 तारीख को जन्मे लोगों की कुछ गुण और दिलचस्प बातें जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। 21 तारीख को जन्मे लोग दिमागी तौर पर बेहद मजबूत होते हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज होता है इनकी बातों में, सोचने समझने का, चलने फिरने का इनका अंदाज ही अलग है, दुनिया को अपने अंदाज में देखना पसंद करते हैं, घूमने फिरने के तो बेहद शौकीन होते हैं, जीवन का भरपूर आनंद लेने में ये विश्वास रखते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, मुश्किलों के दौर में भी हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। 21 के अंक वाले लोग, ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छी समझ होती है, समझदारी से हर काम को सफल करने की क्षमता रखते हैं, उनके कुछ ना कुछ करते रहने की, कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर जो इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहती है। ये खुद तो कामयाब होते ही हैं, बल्कि इन लोगों के कारण जिनके साथ भी ये जुड़ते हैं, जो लोग भी इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, उनके काम भी बनते चले जाते हैं। ये जितना दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं, अपने लिए उतने लकी साबित नहीं होते हैं। इनके साथ ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है। जब भी ये किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, कोई ना कोई इनकी मदद के लिए आ जाता है। ये लोग अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने सद्व्यवहार से लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं। भले ही किसी विषय पर इनका ज्ञान कम हो, लेकिन ये अपनी बात को दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं कि लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर ये लोग कुछ गलती करते भी हैं तो लोग इनकी बातों में आकर इन्हें माफ करने पर मजबूर भी हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, शिक्षा के प्रति भी इनका विशेष झुकाव रहता है। इनका लगभग सारा जीवन ज्ञान अर्जित करने में और लोगों का मार्गदर्शन करने में ही व्यतीत होता है। लोग इनसे अपना मार्गदर्शन कराने में कोई झिझक महसूस नहीं करते, यानी कि लोग इनसे सलाह लेने आते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक ये लोग साबित होते हैं। इसीलिए ये लोग एक अच्छे सोशल वर्कर के रूप में, एक अच्छे काउंसलर के रूप में समाज में विशेष स्थान पाते हैं और लोगों के लिए एक आदर्श भी बनते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उत्तम विचारक होते हैं, इनकी यही धार्मिक प्रवृत्ति इन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। बहुत ही गंभीर चित्त वाले होते हैं ये लोग, संतोषी होते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं, जिस कारण ये लोग कभी भी अपनी समस्याओं का रोना लेकर दूसरों के पास नहीं बैठते। धन इनके पास स्थिर रहता है, मितव्ययी होते हैं, भले ही लोग इन्हें कंजूस मानते हों, लेकिन असल में ये होते नहीं हैं। जहां खर्च करना ये जरूरी समझते हैं, वहां पर ये दिल खोलकर खर्च भी करना जानते हैं। जब बात दूसरों की मदद करने की आ जाए, पैसों से दूसरों की मदद करने की आ जाए, तब ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी तरह से बचत करना भी जानते हैं, इसलिए इनके पास धन रुका रहता है। जब भी ये अच्छे मूड में होते हैं, ये खूब शॉपिंग करते हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, और जेब खाली करके ही वापस आते हैं।
अच्छा खाना पीना घूमने के बेहद शौकीन होते हैं ये लोग। लाइफ को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। बेहद विनम्र स्वभाव के मिलनसार होते हैं। दूसरों के हित की भावना इनके दिल में हमेशा रहती है। दूसरों का बुरा करने के बारे में ये सोचते भी नहीं है। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले हैं। विशाल हृदय होता है इनका। बंधन में ना तो खुद रहना पसंद करते हैं और ना ही दूसरों को ये बंधन में बांधते हैं। कभी खाली बैठते नहीं हैं। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को इनको चाहिए। यानी कि ये एक ही तरह का काम लाइफ टाइम तक नहीं कर पाते। इन्हें काम में अपनी वेरिएशन चाहिए। पर्सनल या प्रोफेशनल तौर पर बात जब फ्यूचर प्लानिंग की आती है तो ये बहुत ही अच्छे से उस फील्ड में काम करते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली होता है, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के चलते लोग आपसे इम्प्रेस रहते हैं। इसीलिए आपके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और आप अपने दोस्तों के लिए खासे समर्पित भी रहते हैं। विश्वास के योग्य होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो जाहिर है कौन नहीं चाहेगा आपसे दोस्ती करना या आपसे प्रेम करना। लाइफ में अपनी ये बहुत ही बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, इसी कारण दोस्तों के लिए ज्यादा समय निकाल तो नहीं पाते, लेकिन ये देखा गया है कि ये एक अच्छे और सच्चे मित्र साबित होते हैं। वक्त पड़ने पर ये अपने मित्रों का पूरा साथ देते हैं, जबकि बात यहां तक है कि जब इनको जरूरत होती है तो ये अकेले खड़े होते हैं। वैसे ये अपने आप में पूर्णतया संपूर्ण होते हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति इनके ऊपर आ जाए ये अकेले ही हैंडल कर लेते हैं। इनकी मैरिड लाइफ लगभग अच्छी ही निकलती है। ये अपने परिवार का और अपनों का भरपूर ख्याल जो रखते हैं। ये अपनी मैरिड लाइफ को सफल बनाने के लिए हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत रखना चाहते हैं। वैसे ये समय समय पर अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर भी खुश करते रहते हैं। अगर आप 21 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक होता है 3। अगर आप 21 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी मूलांक 3 पर बनी वीडियो एक बार जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी गहरी बातें जानने को इनके बारे में मिलेगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूलांक 3 का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए 21 के अंक को जानते हैं और भी अधिक गहराई से। 2 नंबर यानी कि चंद्रमा की कोमलता, चंचलता, इमोशंस, इनकी भावनाएं इनके व्यवहार से, इनके व्यक्तित्व से झलकती है। 1 नंबर यानी कि सूर्य, किसी भी काम को अच्छे से करने की पावर होती है इनमें। अच्छे से लीड करते हैं किसी भी काम को, किसी भी ग्रुप को या किसी भी समुदाय को। और इनसे मिलकर बनता है गुरु। 3 नंबर यानी कि सोना, ये समझ लीजिए कि चांदी और तांबे को मिलाकर, चांदी यानी चंद्रमा और तांबा यानी सूर्य, चांदी और तांबे को मिलाकर जो आभूषण तैयार होगा आपके लिए वो ये वाला सोना होगा। गुरु बृहस्पति होंगे। 21 का ये अंक धन, सुख संपदा, परिवार, सम्मान, ज्ञान, सब कुछ देता है। ये अंक जीवन के उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है, लेकिन इन लोगों को कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। 21 का ये अंक मूलांक 3 के अन्य नंबरों से, यानी कि 3 नंबर, 12 नंबर और 30 नंबर से अलग क्यों है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। 2 का अंक डिप्लोमेटिक बनाता है, जबकि 3 का अंक बातों को स्पष्ट रूप से, अपनी बात को कहना बताता है। 3 और 30 अंक वाले ज्यादा सोच विचार नहीं करते, जितना इनके पास मटेरियल होता है उसको आगे लोगों के सामने पेश कर देते हैं। 12 के अंक वाला व्यक्ति पहले बोलता है, बाद में सोचता है कि मैंने क्या क्या बोला। और वहीं 21 वाला व्यक्ति पहले सोचता है, बाद में बोलता है। यानी 21 के अंक वाले पहले अपनी बात को पूरी तरह सोच विचार लेते हैं, उसके बाद ही बोलना पसंद करते हैं। अगर यहाँ बात करें 2 और 3 अंक वालों के बात करने के तरीके की, तो 2 का अंक थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है, 3 का अंक बातों को स्पष्ट रूप से, अपनी बात को कहना बताता है। 3 अंक वाले जितनी स्पष्टता से अपनी बात को दूसरों से कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, वहीं 2 नंबर का अंक
दो नंबर का अंक इसमें आगे होने के कारण ये उसी बात को अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में बोलेंगे। 21 के अंक वाले अपनी बात को डिप्लोमेटिक अंदाज में बोलेंगे, दूसरों की भावनाओं को ख्याल में रख कर बात करेंगे, क्योंकि इमोशंस है ना उनके अंदर, इनमें माइंड और इमोशन दोनों का कन्वर्सेशन है। जबकि 3 के अंक में फिजिकल एनर्जी की कन्वर्सेशन है। 21 के अंक वाले लोग जहां भी बैठते हैं वहां की सिचुएशन को जीवित कर देते हैं, जहां पर भी बोरियत देखते हैं उस माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इनकी विजनरी पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग आपको हमेशा रिलैक्स मूड में नजर आएंगे, एकदम शांत चित्त, प्रसन्न मुद्रा में। इनके माइंड में विस्तार की क्षमता होती है। ये लोग दूर तक बात को देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। ये अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं निकट भविष्य के बारे में कि कौन सी सिचुएशन निकट भविष्य में अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, और उसके लिए इन्हें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को दूरदृष्टा बोला जाता है। ये लोग क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं, फ्यूचर प्लान करने में सक्षम होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन करने में माहिर होते हैं। जहां पर कुछ नया काम करने की बात आएगी तो गुरु के प्रभाव वाले लोग इसमें बहुत ही अच्छा करते हैं। अपनी भाषा पर तो इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी होती है, शब्दों का चुनाव बहुत ही इसलिए ये सोच विचार कर करते हैं। आप लोगों को पेट और सांस से संबंधित समस्याएं बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, इसलिए आपको अपने रूटीन वर्क में अपने सेहत को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, वरना आप लोग मोटे होते चले जाते हैं और आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। आप लोगों की दोस्ती व कंपैटिबिलिटी मूलांक 3, 6 और 9 अंक वालों के साथ बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आपका शुभ दिन है मंगलवार और गुरुवार। आपकी शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30। आपका शुभ रंग है पीला और केसरिया। कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुणी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।